मेरा नाम सबीना दाऊद है, मैं सीईओ हूँ दाऊद फाउंडेशन की, और मैं बस एक अदारा चलाती हूँ जो तालीम के लिए है। और ये शुरू हुआ था, मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, मेरे दादा ने 1961 में, और उस वक्त उन्होंने दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेटअप किया था, क्योंकि वो उस वक्त भी बिलीव करते थे कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हमारे माशरती तरक्की के लिए हमें साइंस और इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम इंडस्ट्रीज बिल्ड कर सकें और मुल्क के इकॉनमी के लिए काम कर सकें। तो उस इदारे को फिर मैंने, मुझे दिया गया कि मैं उसको चलाऊं, तो अब मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। मैं TDF के साथ काम करने लगी, तो पहले तो हमने सोचा कि क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके से इसको ले जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। तालीमी इदारे तो बहुत सारे हैं जो तालीम के लिए, माशरती तब्दीली के लिए काम करते हैं, तो हमने सोचा कि क्या करें, स्कूल लगाएं या फिर कोई IT सिस्टम बनाएं जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हो कोई किस्म का। फिर ख्याल आया कि हमें देखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं एक लड़कियों का स्कूल चलाती थी 10 सालों से, तो जो मुझे दिख रहा था वो ये था कि हमारी करिकुलम और हमारे जो कोर्सेज थे ना, वो काफ़ी हद तक किसी किसी सब्जेक्ट्स में वो पीछे रह गए थे। मतलब जैसे आप समझ रहे हैं, जो ज्योग्राफी है या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं मुझे दिख रही थी ज़्यादा। तो फिर हमने ये देखा कि हमने लॉन्च किया डॉक्यूमेंट्री के नाम से, TDF नेचर सीरीज़ के नाम से, कि हम ना स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और लोगों के लिए हम ना ये एक अवेयरनेस पैदा करें कि हमें इन्वायरमेंट के लिए क्यों काम करना चाहिए, हमें अपने माशरे के जो ज़रात हैं उनको हमने किस तरह उनको उनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो उस वजह से हमने ये नेचर सीरीज़ लॉन्च की, डॉक्यूमेंट्री जो हमने मरगला हिल पर बनाई, और बाखोर जो हमारा कौमी जानवर है उस पर, और फिर अभी हमने एक नई बनाई है थर के ऊपर, कि हमारे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है, और हमें अपने जो ये नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको हमने किस तरह प्रोटेक्ट करना है, और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जानवरों को, अपने नेचुरल हैबिटेट्स को क्यों हम इनको इनकी हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें। और ये मेरे ख्याल में मुझे फील होता था कि बहुत मिसिंग है हमारे करिकुलम में। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी जो दादी थी, मेरी पर दादी थी, उन्होंने एक घर उनकी बेटी ने फाउंडेशन के को दिया था, जो उन्होंने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिया था। 1930s का घर था और बिल्कुल मज़ार के पास। तो ये भी ख्याल आया कि मज़ार के पास है, मज़ार के पास, अगर आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, आपको देखिएगा कि एक सिटी होती है, ठीक है, एक शहर होता है, उसके जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द, उनके गिर्द नवा में बहुत गहमा गहमी टूरिज्म होती है, अलग अलग दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, टूरिज्म का, और उस एरिया को ना वो एक प्राइम लोकेशन समझा जाता है। और मुझे दुख हो रहा था कि हमारे पास, हमारे कराची में कायदे आज़म मज़ार के पास कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अब ऐसे उसको सेरेंडिपिटी कहते हैं कि ये घर बिल्कुल उसके पास था, तो उसको हमने रिस्टोर किया, 1930s का घर था, और इसको एक लिविंग कम्युनिटी सेंटर म्यूज़ियम के तौर पे, कि लोग प्री पार्टीशन में कैसे रहते थे, और एक जगह बन गई ना जहाँ स्टूडेंट्स जाके मज़ार को देख सकते हैं और उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, और जो कायदे आज़म की जो ड्रीम थी पाकिस्तान के लिए, उसको ज़रा कनेक्ट हो सकते हैं अपने फाउंडर के साथ। लेकिन जो इसके अंदर और भी ज़रूरी बात मुझे फील होती थी कि हमारे स्पेशली कराची में आपको कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा दिखता है, और ये घर आपको दिखाता है कि हमारे पास, हम सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं हमारी, हम बहुत सारे कल्चर्स और तारीखों के हम एक 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 प्रोडक्ट हैं। तो आप देख लें, किसी भी ड्राइंग में आप चले जाएं, और ये हमने मार्क किया हुआ कि ये जी ये पारसी कम्युनिटी की टाइलें लगी हुई हैं उनका है, या ये हिंदूज ने इस तरह करके फर्नीचर बनाते हैं, और हमारा जैसे रेडियो है वो ब्रिटिश हो या जो भी जर्मन हो। तो ये हम इतने सारे कल्चर्स को लेके हम एक एक ड्राइंग रूम में भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कल्चर्स होते हैं, और कितनी ज़्यादा दूसरे ममालिक से हमारे अंदर वो इन्फ्लुएंसेस आते हैं।
तो ये इस घर का मकसद ये था कि हम दिखाएं कि कराची हर वक्त मल्टी कल्चरल रहा है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ काम करते हैं और अभी भी ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि हम एज शहरीज़ हैव टू एक्सेप्ट डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो इस तरह रफ्तार रफ्तार फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सारे जो एरियाज़ हैं ना, ये इनफॉर्मल लर्निंग स्पेसेस में आती हैं। ये हम जो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो ये था कि हम चाह ये रहे थे कि हम उस तरह की एरियाज़ बनाएं, उस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जो हर इंसान के लिए एक्सेसिबल हो, चाहे उसकी उम्र क्या हो, चाहे उसका जेंडर क्या हो, वो किधर से भी आता हो। हमें हमारी कोशिश ये है कि हम उस तरह के काम करें कि जहाँ अवेयरनेस स्प्रेड करें, जो हमारे माशरे के भी बेहतरी लाए और अवेयरनेस लाए, लेकिन वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बट सबके लिए हो, अडल्ट एंड चिल्ड्रन लाइक के सारे। और वो भी आप इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि वो कोई भी आ सके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना पढ़ा लिखा है या कौन सी ज़बान बोलता है या किस कितना क्या जानता है क्या नहीं जानता, इससे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। एक माशरे में ऐसी जगहें होनी चाहिए जहाँ पे लोग जा सकें और सीख सकें, और अपने ख़ानदानों के साथ सीख सकें, अपने दोस्तों के साथ, और इंटरटेनमेंट का ये भी एक तरीका बन सकता है कि आप वहाँ इंजॉय भी करें और आप तालीम भी हासिल करें मिलके। मैग्निफिसेंस ऐसे शुरू हुआ कि ख़्याल यह आया था कि जो हमारे, जब मैंने फिर देखा कि मेरे दादा ने भी साइंस के लिए काम किया था, तो ख़्याल यह है कि हमें साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साइंस का जो शोबा है उसको हम बिल्कुल कोई किस पे गौर व फिक्र ही नहीं है और उस पे अटेंशन नहीं है। आपको अगर आप देखते हैं, एक तो आपको पता भी है हमारे करिकुलम का क्या हाल है, हमारे स्कूल्स का क्या हाल है, तो आप बच्चों को इसके अंदर किस तरह दिलचस्पी देंगे, और सिर्फ बच्चे नहीं बट जो उनके माँ बाप भी हैं। क्योंकि अगर आप स्टडीज़ में देखें, एक बच्चा उस वक्त एजुकेशन में इंटरेस्टेड होगा और दिलचस्पी लाएगा अगर उसके माँ बाप भी उसको इनक्रेज करेंगे, उसके साथ इसमें दिलचस्पी लेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि स्पेशली माएँ जो है ना, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, अगर माएँ कम पढ़ी लिखी हैं तो उनका बच्चा भी कम पढ़ा लिखा होता है, और ये इसका एक कॉजल लिंक है। तो हमें जगह इस तरह की चाहिए थी जहाँ पे आपके कम्युनिटीज़ आके सीख सकें, और साइंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे इस मुल्क में साइंस की नॉलेज होगी, साइंस का अंडरस्टैंडिंग होगा, साइंस की थिंकिंग होगी, तो वो ज़्यादा लॉजिकल बनेंगे। वो देखेंगे कि अच्छा इसकी क्या वजूहात है, हम पूछते नहीं हैं इसकी क्या वजूहात है, हम सिर्फ ना बस जल्दी जल्दी ना उसको ठीक करने के पे लग जाते हैं, ये नहीं देखते इसके पीछे इसके क्या असरात हैं, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्यों होता है, ये हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सवालात की पूछने की इतनी इजाज़त नहीं होती। तो जब तक हम अपने बच्चों को उस लेवल तक नहीं पहुँचाएँगे जहाँ वो सवालात करें, तो वो कैसे अपने मसले और अपने मुल्क के मसले कैसे वो सॉल्व करेंगे। बहुत मुश्किल है, आपको पूछने की ज़रूरत है कि ये क्यों नहीं चल रहा है, ये कैसे है, ये क्यों इस तरह बना हुआ है। तो साइंस आपको ये चीज़ें सिखाता है, और इसलिए हमें, जब मैंने दुनिया देखा तो मैंने देखा कि दुनिया में हर जगह, मतलब आप सोचें सिटीज़ छोड़ें, लोगों के टाउन में भी ना साइंस के छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं, म्यूजियम्स बनी हुई हैं, कुछ भी ना कुछ डिस्कवरी सेंटर्स बने हुए, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो रहा। आपको पता है कराची जो है ना, दुनिया का वाहिद मेगा सिटी है, मेगा सिटी जहाँ कोई साइंस सेंटर नहीं, और ये एक प्रॉब्लम मुझे दिखा था, और हमने सोचा TDF में कि ये हमने इसको लेके चलना है, और हमारा मकसद अब ये बन गया है कि हम साइंस को पॉपुलराइज करें, हमारे लोगों में साइंस की नॉलेज और उनको इंस्पायर करें कि वो और भी साइंस पढ़ें और वो सीखें, चाहे वो छोटे हों या वो बड़े हों। देखिए, आपके पास लाइब्रेरीज तो उधर हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है ना, वो इंटरैक्टिव साइंस नहीं है, ठीक है। आप ये जो एग्जिबिट्स अपने सब सामने देखते हैं, ये आपको इंटरैक्ट कराती है और आपको वो दिखाती है कि ये चीज़ है, ये क्यों चलती है इस तरह, और आप ख़ुद भी सोचें कि ये किस तरह आपने इसको चलाना है और इसकी वजूहात क्या है।
ठीक है। आजकल बच्चों को आपको इन्फॉर्मेशन तो बेतहाशा गूगल मिल जाए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको घर से निकलने की। कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी आपको ख्याल हो, किसी ने सोचा हुआ है और वो उसने गूगल में डाला, लेकिन हमने इसको एक्सपीरियंशियल बनाना है कि हम इसको किस तरह ऐसे करें कि लोग आके इसको इसके साथ इंगेज करें ताकि उनको और समझ आए इस बात की। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बुरा है। आई थिंक कोई औरत नहीं इस दुनिया में जिसका वर्क लाइफ बैलेंस सही है। मेरे तो मुझे नहीं समझ आती कैसे लोग, लेकिन हैं बहुत सारी खवातीन हैं जो बहुत कुछ कर भी लेती हैं, बच्चों को भी संभाल लेती हैं, घर को भी संभाल लेती हैं। मुझे अभी तक वो बैलेंस समझ नहीं आया कभी। आई थिंक कि आई गेस औरत की कहानी है ये कि वो अपने घर को भी नहीं छोड़ सकती, अपने ख़ानदान को भी नहीं छोड़ सकती। माँ बाप होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, मियाँ होता है या जो भी, उसको भी लेके चलना होता है, और साथ में अगर काम कर रहे हैं तो काम को भी लेके चलना होता है। और इसका कब आई डोंट थिंक कोई एक, कभी उधर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कभी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है, बस ऐसी आप आई थिंक स्किल नहीं मिसिंग है, अपॉर्चुनिटी मिसिंग है। आपके शहरों में औरतों की स्पेसेस बहुत कम है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी जाके बाहर चल नहीं सकती जितना मैं चाहूँ, ठीक है। आपको औरतें बहुत कम दिखती पब्लिक स्पेसेस में, और पब्लिक स्पेसेस औरतों के लिए बहुत कम है। बाथरूम्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको आप सोचें अगर कहीं ट्रैवल भी कर लेना, और बाथरूम्स कम होते हैं, वो फैसिलिटीज़ कम होती हैं जो औरतों को जिनकी ज़रूरत है। जब तक हम अपने माशरे में वो एरियाज नहीं बनाएंगे जहाँ पे औरतें औरतों को भी ले के मतलब एक हिस्सा समझा जाए, तो वो पीछे ही रहेंगी। क्योंकि आप देखें बहुत सारी औरतें होती हैं, वो काम करना भी जाती हैं लेकिन उनके पास एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है, ट्रैवलिंग का इशू होता है, और मतलब कि और भी बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन आई थिंक ये सबसे ज़्यादा होता है कि उनको एक इन्वायरमेंट मिले जो वो फील सेफ फील करें, कंफर्टेबल फील करें, वहाँ फील करें कि वो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। माशाल्लाह एक गर्ल्स स्कूल भी मेरा जो पूरा है उसके अंदर भी मोस्टली मेजॉरिटी वुमेन है। यहाँ भी हमने बहुत सारी औरतों को ही इंगेज किया हुआ है, और आई थिंक जब इनसे पूछते भी हैं तो यही जवाब आता है कि हमें एक ये इन्वायरमेंट्स की ज़रूरत है जहाँ पे हमें फील हो कि हम कंफर्टेबल हों। औरतें थोड़े आप देखें ट्रांसजेंडर्स भी हमने रखे, ट्रांसजेंडर्स को भी वो स्पेस की ज़रूरत है, और जो बच्चे होते हैं बड़े होते हैं जिनके पास ऑटिस्टिक होते हैं या डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं या उनमें कोई या वो व्हीलचेयर बाउंड होते हैं या जो भी है, या बूढ़े होते हैं जिनके पास वो एक्सेसिबल, हमारा शहर एक्सेसिबल नहीं है, हमारे मुल्क में दूसरे एरियाज भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है इन लोगों के लिए। हमारा सिर्फ ये होता है कि अगर आप एक आदमी हैं और आप एक यंग आदमी हैं तो आप जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन अगर आप इनमें से ख़वातीन माजूर इन सबको आप ले लें तो बहुत कम है इनके लिए। देखिए अगर आप मुझे उसकी स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पता, बट आई थिंक वी वन ऑफ द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वुमेन, चाहे उनके राइट्स हों, चाहे उनके वर्किंग वुमेन के अगर आप देखें परसेंटेजेस आर वेरी लो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स इसके लिए हमें बहुत काम की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कि औरतें इधर काम नहीं करती, ये है कि उनके द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू वो इट्स नॉट पेड, इट्स नॉट एक्सेप्टेड एज वर्क, और इट्स इन द इनफॉर्मल थिंग। डोमेस्टिक वर्क ज़्यादा है, दे वर्क 9 टाइम्स मोर देन मेन डू इन डोमेस्टिक वर्क। जो काम करती हैं सारा एक इनफॉर्मल सेक्टर में होता है, चाहे वो बकरियां चरा रही हैं कुछ, उनके पास एक्चुअल पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज नहीं है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि वो काम नहीं करें, उनको उसका कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है ना। आप जाते हैं काम करते हैं, आपको एक तनख्वाह मिलती है। जो बकरी चलाती है औरत, या जो अपने घर को संभालती या अपने सास ससुर या जो संभालती पूरा घर, उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना उसका लेबर के लिए। तो ये प्रॉब्लम है कि उनके पास एक एक्सेस ही नहीं है टू फंड्स। मेरा चाइल्डहुड ड्रीम वही था कि जो मेरे माँ बाप ने कहा था कि बड़े होकर शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, ठीक है। मैंने उसके आगे पीछे नहीं सोचा, लेकिन अब
आप एक तरफ चलते हैं, जिंदगी आपको दूसरे मोड़ पे ले जाती है। तो बस पहुंच गई किधर से, कहीं ना कहीं से। ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज अगर औरतों को दी जाए, और फिर उनकी मर्जी है वो किधर जाना चाहे, जैसे हर इंसान की मर्जी है, मैं ये नहीं कहती कि आदमी की मर्जी नहीं है, और हर इंसान को रहने के लिए एक ज़िंदगी होती है और कुछ ख्वाहिशात होते हैं हर इंसान के, और वो पूरे करने के लिए एक एक स्पेस होनी चाहिए इन आइडियल वर्ल्ड। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे दूसरों का नहीं पता, बट हाँ मुश्किल है क्योंकि आपको हर मोड़ पे कुछ सोचने की ज़रूरत है कि ये कि क्या होगा, या इसके बारे में क्या सोचा जाएगा, या किस तरह के कपड़े पहने, या आप कहाँ जाएँ, या कौन देख लेगा, या क्या हो जाएगा, या मतलब ये हर औरत के लिए एक मसला रहता है मेरे ख्याल में। अब तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी तो कोई नहीं पूछता, लेकिन आप समझते ना कि एक फीमेल बनने के लिए बहुत सारे और वो स्पेसेस ही नहीं मिलते मेरे ख्याल में, स्पेशली यंग वुमेन के लिए। वो जो जो यंग औरतें मिडिल क्लास की आपकी हैं, जो मतलब कुछ आगे पीछे जाना, क्या 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 एक्सेसिबिलिटी, आप शॉप्स पे चले जाओ और क्या एक्सेसिबिलिटी, एक दूसरे दोस्त के घर चले जाओ, मतलब एक एक इतना इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि औरत एक अपने घर से बाहर निकले और वो रोडों पे चल ले, वो पार्क पे चली जाए, मतलब कुछ तो होना इस तरह। जब तक ये नहीं होगा, जब तक आपको ख्वातीन आपके सड़कों पे नहीं दिखेंगी, आपके ढाबों में नहीं दिखेंगी, आपके पब्लिक लाइफ में नहीं दिखेंगी, तो हम पीछे रहेंगे, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। आपको नहीं दूसरे मुल्कों में दिखता सारे मर्द और बच्चे, मुझे तो ये बहुत वो लगता है कि अच्छा कश्मीर में ऐसे होता है, लेकिन कि बच्चे जैसे जापान में खुद घर से निकलते हैं, बस लेते हैं, ट्रेन लेते हैं, खुद स्कूल पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ऐसा कैसे है? आप टोक्यो जैसे शहर में उनकी भी आबादी हमारे जैसी है, तो ये कैसे कर लेते हैं? हमारे बच्चों को हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते? क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी में से ही है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हमारे पास कि हम अपने बच्चों को इस तरह ले जाएं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होनी चाहिए, इतनी गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। आप देखें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, दिखते हैं आपको उसकी ज़िंदगी, अलग अलग लोग होते हैं, एक एक लेवलर होता है यहाँ पे, वो है, उसकी बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास वो स्पेसेस हों जहाँ पे हर किस्म के लोग साथ कुछ भी कर लें, मतलब कहीं जा रहे हैं या कहीं आ रहे हैं या सीख रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। इधर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बहती हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इससे भरपूर, लेकिन आपका मुल्क के रिजल्ट से आपको क्या कुछ और बता रहे हैं? अब वो क्या उसकी वजह है? कहीं तो कोई मसले आ रहे हैं ना। तो हाँ, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे क्या नैरेटिव्स डिस्कोर्स में क्या रहता है कि भाई लोग अपना काम सही तरह से नहीं करते, अगर करते तो फिर रोडों पे खड्डे नहीं होते, अगर करते तो फिर नई नई चीज़ें ख़राब ना हो जाती। आपको पता है ना इस बात, या हमारे पास वो स्किल नहीं है, या हमारे पास या शऊर नहीं है, या हमारे पास वो विल नहीं है। एक टाइम होता था जब पाकिस्तान कुछ जाना पहचाना जाता था, ऐसे तो नहीं एशियन टाइगर्स थे ना, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं। और हाँ, एक ऑनेस्टी की ज़रूरत है कि जो काम है हम पूरा करें, अपना जितना भी हमसे हो सके सही तरह से करें वो, आई थिंक, या फिर आई थिंक ज़्यादा ये है कि हम सब इतने सड़ चुके हैं कि इतना कुछ नहीं मिल रहा, तो एक सर्टन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ठीक है, मेरी गाड़ी पहले, या ये कैसे उसने किया, और हम सब दूसरों के बारे में कह रहे होते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और ये करता है तो मैं क्यों ना करूँ। तो थोड़ा सा हमें अपने अंदर एक अपने आप को भी कंट्रोल करना चाहिए कि भाई कुछ फेंके नहीं बाहर, अपना कचरा ना बाहर फेंके, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, हमारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग सोचते ना कि बस आज मैंने अपना घर साफ कर दिया, बाहर कचरा फेंक दिया, ये नहीं सोचा कि ये कचरा जो बाहर पड़ा है इसका क्या
इसका क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस है, मेरे मेरे नेबरहुड कैसी लगती है, उसके ऊपर जो मक्खियाँ आती हैं वो मेरे घर के अंदर आती हैं, ये नहीं हम देखते कि उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है, हमने बस फेंक दिया, मेरा मेरा मसला नहीं है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि हम सिर्फ अपने महदूद तक सोचते हैं और आगे नहीं सोचते कि इसका हमारे मुल्क पे क्या असर आ रहा है। खवातीन तो बहुत ज़्यादा है, आपके वो फेमस भी होने की होती है, इतनी औरतें आपको मिलती हैं, इतनी टीचर्स हैं मिली हूँ जिन्होंने मतलब अगेंस्ट द ऑड मतलब अपना पूरी ड्यूटी की है और बच्चों को इंस्पायर किया। हर आई थिंक जो इधर औरत जो काम करती है और हर औरत जो टीचर बनती है या जो जिस पेशे में होती है, चाहे वो सर्विस, आप देखें ना हमारी कुछ फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज हैं, टीचिंग, ब्यूटी एंड सर्विसेज होती है, नर्सिंग, अब इसकी आप देखें उनकी पे स्केल्स कितनी होती है। तो हमने अपने टीचर्स को इतना लो समझा है कि वो लोएस्ट ऑफ द लो में रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि हमें हमें इजाज़त ही नहीं कि हम स्कूलों में इन्वेस्ट कर सकें और अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है कि आप नहीं कर पाते, आपको इकोनॉमिक्स नहीं करने देती। और ये इसके मुझे दुख लगता है, मुझे दुख लगता है हर टीचर के लिए कि वो स्ट्रगल करती है। और जो हर मुल्क में अगर आप बात करते हो, फिनलैंड बड़ा ज़बरदस्त है उसकी, उनके हाईएस्ट पेड मेंबर्स टीचर्स होते हैं, ठीक है, और सिर्फ क्रीम आता है उधर, तो जाहिर ही बात है फिर एजुकेशन अच्छी होगी। लेकिन अगर आप अपने टीचर्स को बिल्कुल वो ट्रेनिंग अवेलेबिलिटी नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है, वो स्किल सेट डेवलप नहीं है और वो पे स्केल ही नहीं है, तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे और आपका मुल्क कैसे प्रॉस्पर करेगा जब आप ये बेसिक जो आपके तालीम की जो इश्यूज़ हैं वो कैसे बेहतर होंगी जब तक आप एक तो चले उन्होंने फिर आई थिंक गवर्नमेंट ने पे स्केल बढ़ा दी, बट यू नो यू नीड उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है, उसके अंदर उसके साथ 10 और चीज़ें भी आती हैं जो उनकी ज़रूरत की हैं। नो द प्रोफेशन नीड्स टू, इसकी जो इमेज नीड्स टू प्रूव, ये नहीं कि हर बंदा जो कहते तो मैं अपनी आजकल फारिग वेला बैठा हूँ तो मैं टीचर बन जाऊँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। व्हेन आई मूव टू कराची आई थिंक मुझे कुछ समझ आई थी कि मुझे इस तरह क्यों फील हो रहा है कि कुछ मिसिंग है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दरख्त मिसिंग है, दरख्त नहीं है। और आप देखें कराची लाहौर में एक एस्थेटिक सेंस है, ठीक है, वो अपने मतलब एरियाज़ को साफ रखते हैं, कुछ एक सेंस ऑफ प्राइड है कि लाहौर लाहौर है, उसका ख्याल रखते हैं। और बेचारा कराची जो है ना वो किसी कोई उसकी ओनरशिप ही नहीं है, तो ज़रा सा फील होता है कि ये इतना एक खूबसूरत शहर होता था जो मैंने सुना है मेरे पेरेंट्स से, और यहाँ पे इतने मतलब कि खूबसूरत वेल प्लान्ड शहर था, इट डजंट हैव द हिस्ट्री ऑफ लाहौर, ठीक है, लाहौर इतने हज़ारों साल का शहर है, कराची आप सोचें मतलब मुश्किल से 100-200 साल का, तो बट इसको किसी ने ओन ही नहीं किया। और यहाँ पे माइग्रेशन पूरे मतलब के मुल्क से भी आती हैं और इतने लोग आते हैं इधर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो कराची इज़ यूज्ड, ठीक है, इसको सब यूज़ तो करते हैं अपॉर्चुनिटीज, लेकिन कोई नो वन पुट्स बैक इन कराची। नो वन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे, मतलब ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं, बट इट्स नॉट इनाफ। और वो जो ओनरशिप है ना, सेंस ऑफ ओनरशिप जो आप लाहौर में देखते हैं, वो यहाँ मिसिंग। बस ये आई होप कि उनके ड्रीम्स, उनके जो भी वो चाहती हैं उनको मिलें, और अल्लाह करें कि उनके लिए जो एक्सेसिबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं या जो इश्यूज़ उनके फैमिलीज उन पर पेश डालते हैं। आई थिंक ये एक औरत के ना इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो उसको वो राइट दी जाए कि वो अपने ड्रीम्स पे और अपने जो भी वो चाहती हैं ख्वाहिशात पे ना वो अमल कर सकें। और ये जो हम ना एंड आई थिंक इट्स बैड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो, कि आपको पता है पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ती जा रही है और इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पता है क्यों कंट्रोल? क्योंकि आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतने क्रॉप्स उग सकते हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, बढ़ जाएंगे थोड़े से, इतने स्कूल्स हैं, लेकिन ये आपको हर घंटा आई थिंक एक स्कूल की ज़रूरत है, एटलीस्ट फॉर 500 किड्स एवरी आवर पर आवर, इतनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, आप किस तरह उसको मैनेज करेंगे?
तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने राइट्स के साथ पैदा होता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्रीडम, ये राइट्स के साथ पैदा होता है और वो राइट्स हम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, आबादी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और इसका किसको फ़ायदा हो रहा है? किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको रोडों में बच्चे दिखते हैं, तकलीफ नहीं होती कि क्या लाइफ है, क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको? बच्चे तो पैदा कर लिए लेकिन हम उनको क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं? सिर्फ खाना पीना तो नहीं है ना, सिर्फ उनको एक एजुकेशन भी देने की ज़रूरत है, उनके जो भी ख्वाहिशात थे उनके पूरे, उनको एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ड्रीम कर सकें, कि वो कुछ बन जाएं या कुछ कर लें। है उनके पास वो एबिलिटी नहीं है।